कमरा तो उतरा था पास में आने वाला है भाई भाई जीतेंगे। ये लेपर्ड और जंगली जानवरों को पानी पीने का और आने जाने का रास्ता है। यस, तभी ये आग लगाई हुई है यहाँ पे अभी। चेयर्स दोस्तों, तेंदुए की बिक्री के नाम। आज रात को तेंदुआ कॉफी पी के ये देखो कितना पिक्चर करेंगे जब अपनी गाड़ी के पास आ जाएगा। और बस छोड़ दिया, ओके भूल जाओ अब इसको। तो जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों फिर से निकल चुके हैं कार कैंपिंग के लिए और आज होने वाले भाई अल्टीमेट और रिस्क कैंपिंग और वो भी होगी भाई ग्रुप कैंपिंग में। तो अपने साथ है भाई गुप्ता जी, जय हिंद दोस्तों। और पीछे देखे दोस्तों कौन है, जय हिंद दोस्तों। तो भाई आज निकल चुके तीनों भाई मिलकर जहाँ पे हम कैंपिंग करें भाई बिल्कुल डेंजर फॉरेस्ट है और लगभग इस जहाँ से अभी है हम इस टाइम ये देखो ये दिखाओ इधर। हाँ, ये जो एरिया है ना ये पानी वाला, ये लेपर्ड और जंगली जानवरों को पानी पीने का और आने जाने का रास्ता है। यस, तभी ये आग लगाई हुई है यहाँ पे अभी। तो दोस्तों निकलते भाई अपनी लोकेशन, क्योंकि जिस लोकेशन पे जा रहे हैं वहाँ पे डेली लेपर्ड आ रहा है। लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया भाई लेपर्ड आता हुआ, तो वो थोड़ा सॉफ्ट हुआ था। जो आज दिखाने वाले ना तो वो क्लियरली दिखाएंगे और वो उसके साथ में गाइस और भी ज्यादा जानवर दिखाएंगे। तो ये देखो भाई लोकेशन, और यहाँ से भाई कितनी दूर है अभी लोकेशन? 10 से 15 किलोमीटर। 10 से 15, ये लगा लो कि 5-6 किलोमीटर तो कोई गांव में नहीं मिलेगा, पूरा जंगल है। तो दोस्तों ये देखिए अभी बच्चे भाई जा भी रहे हैं देखो स्कूल के। तो सामने देखिए दोस्तों सनसेट भी जल्दी होने वाला है, सामने सूरज अभी है। जो अभी टाइम हो रहा है वो हो रहे भाई 4 बज रहे, तो जल्दी से लोकेशन पहुंचते हैं। और आज भाई थोड़ा हल्का मुल्का बनाएंगे, थोड़ा भाई आज हल्का मुल्का नहीं बनाएंगे, बनाएंगे इतना प्यारी चीज बना के खिलाऊंगा ना, दिल खुश हो जाएगा। ओके, बनाएंगे कुछ अच्छा, बट ये है कि अपने खा पी के जल्दी ऐसा आइटम बनाऊंगा जो जल्दी बनेगा, लेकिन खाने में जो मजा आएगा ना वो जिंदगी में आपने वो टेस्ट नहीं किया होगा। ओके, तो दोस्तों लोकेशन पे पहुंचते हैं क्योंकि भाई हमें जहां लेपर्ड आता है ना तो वहां पे हमें जल्दी निकलना है। क्यों भाई जी? बिल्कुल, अगर वो टाइम से पहले निकल गए ना तो फिर हमारी पूरी रात बेकार हो जाएगी। तो पहुंचते गए इस लोकेशन पर। तो दोस्तों लोकेशन पे पहुंच गए भाई और गाड़ी लगा दी है क्योंकि इस लोकेशन पे भाई डेली लेपर्ड आ रहा है, क्योंकि डेली अटैक कर रहा है। तो भाई जी बिल्कुल, भाई लोकेशन बहुत खतरनाक है भाई, और यहाँ पे जहाँ पे वो लेपर्ड डेली आता है ना यहाँ से लगभग 200-250 मीटर पे है, ज्यादा दूर नहीं है। तो पहले कुछ बना लेते हैं क्योंकि जहाँ पे जाएंगे वो बिल्कुल डीप फॉरेस्ट है, तो वहीं पे हमें अपनी गाड़ी भी लगानी है। क्यों भाई जी? एक्चुअल में वहाँ पे इतनी जगह नहीं होगी ना, क्योंकि वो लेपर्ड का जाने का रास्ता है। बिल्कुल, अगर आप वहाँ पे कुछ सामान बनाओगे खाना तो लेपर्ड को ये हो जाएगा कि यहाँ पे कोई रुका हुआ है तो वो आएगा नहीं। तो वहाँ जाके तो आप सांस भी नहीं ले सकते, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ खड़ा होना है बहुत मुश्किल और एक टफ जॉब होती है। बिल्कुल, अगर वहाँ पे बनाएंगे ना, ये भी कोई फॉरेस्ट का कोई अगर अलग से कोई और आ गया ना फॉरेस्ट का आदमी तो वो थोड़ी नहीं, वहाँ आग लगाने की परमिशन ही नहीं है। अच्छा, ओके, एक्चुअल में जंगल जल जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो फिर यहाँ पे भाई कुछ बनाते हैं, स्पेशल बनाएंगे बढ़िया सा, और वो भाई खाते और एंजॉय करते हैं और फिर निकलते हैं भाई लेपर्ड। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर वो सामने गेट था। अच्छा, सामने तो गेट है उसका, फॉरेस्ट का वो देखो लिखा हुआ, फॉरेस्ट विभाग में आपका स्वागत है, तो वो उसी में से अंदर जाना है, 1-1.5 किलोमीटर बस। ओके, तो दोस्तों निकलते फिर यहाँ से खा पीकर बढ़िया तरीके से। तो क्या बनाओगे आज? बस अभी रिवील नहीं कर रहा, वो तो सीक्रेट स्पेशल। बस भाई गाइस निकालते सामान, बाहर सेटअप जमाते बढ़िया सा, फिर बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए सेटअप भाई अपना लग चुका है और भाई ने भाई चूल्हा ऑन कर दिया है। क्या बना रहे हो भाई जी? कॉफी। क्योंकि कॉफी ठंडा ना गाइस, तो कॉफी पहले पी लेते हैं जल्दी से और फिर कुछ कुछ डिनर में जो बनाना है स्पेशल वो बनाते हैं। तो मेरे भाई कर दिया, अंधेरा होने वाला है मेरे भाई, अंधेरा हो जाएगा ना। ओफो, आज तुम एग का बनाने वाले हो कुछ, देख लिया तुमने? हां, तुम चंटू हो, चंटू। आज गुप्ता जी एग का बनाने वाले हैं कुछ ना कुछ। एग पे या तो एग फ्राई होगा, आज तुम एग ऑमलेट बनाने वाले हो, एग भुजी होगा, एग ऑमलेट होगा। एग भुजी भी हमने खा रखी है। एक सेकंड, चलो तुम
डिसाइड करके बताओ मैं क्या बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर जंगल में हंसी मजाक ना करे ना हाँ, तो टाइम पास नहीं होने का। टाइम पास लोकेशन ऐसी है क्या हुई रहेगा। गुप्ता जी गुप्ता जी बताऊँ अभी बात कर रहे हैं अंदर जाकर तो भाई साइलेंट ही बैठना है। गाड़ी डालो डालो चार पाँच घंटे अंधेरा होने वाला भाई। चार पाँच घंटे 15 मिनट में अंधेरा हो जाएगा 15-20। अरे वो बात तो भूल गए क्या उस बात तुमने छोड़ी थी क्या आज बनाने क्या वाले हैं। वो तो बात की बात है भाई। नहीं तुम कहते हो गैस करो क्या बताएंगे। हाँ गैस करो तुम दोनों। तो एग ऑमलेट पहले बना रखी है चीज ऑमलेट भी बना रखी है ठीक है भुजिया ही बना रखी है। तो आज तुम बनाने वाले हो डालो मीठा तो तेजी रखो कम मीठा पसंद नहीं है। ग्लूकोज डाउन नहीं होना चाहिए आज हमारा। उसको मत फाड़ो इसमें से फाड़ दिया। रात को वो भी तो आने वाला है डागर का फ्रेंड। यस मेरा फ्रेंड आने वाला है लेपर्ड। ये चीनी गई और ये गई इसमें कॉफी। लेकिन आज मैं डागर को बाहर लेके जाऊंगा गाड़ी से चाहे कुछ भी हो जाए। डागर भाई आप बाहर निकले भाई बाहर निकलेगा आपका भाई। अच्छा पक्का पक्का। गुप्ता जी अंदर से रिकॉर्ड करेंगे जब हम बाहर निकलेंगे। मैं बाहर से रिकॉर्ड करके लाऊंगा सही है ना। साइड डाल दो हार्ड हो जाएगी दोस्तों। ज्यादा हार्ड कॉफी नहीं पियेंगे नहीं तो हम हार्ड हो जाएंगे हम समझ रहे हो ना क्या होगा हमारे साथ। ठंड भी भयंकर हो रही है ना आज तो। ऐसी ठंड में कॉफी मिल जाए तो मजा ही अलग। ठंड काफी हो रही है अब वो भी अभी रुक जाओ अभी रुक जाओ। ओए होए कॉफी मजेदार है ये देखिए दोस्तों। ओहो क्या कॉफी है। चीयर्स दोस्तों तेंदुए की बिक्री के नाम। आज रात को तेंदुआ कॉफी पी के बिल्कुल कैप्चर होना है भाई आज। बताओ भाई कैसी बनी। लेकिन एक बात भाई चाहे 2 बजे तक रुके या 4 बजे तक लेकिन रहना वही है। आज जब तक लेपर्ड दिखाएंगे नहीं तब तक घर जाएंगे नहीं। बिल्कुल जब तक मैं तोड़ेगा नहीं तब तक मैं छोड़ेगा नहीं। कॉफी एक नंबर मस्त बनी गुप्ता जी धन्यवाद धन्यवाद। फौजी भाई हाँ भाई भाई पीछे भागना तो भागना पड़ेगा पीछे भागना ऐसे नहीं उसको रिकॉर्ड करना रिकॉर्ड करने के लिए। अगर वो तुम्हारे पीछे भाग लिया फिर भाग लेते भाई गुथना पड़ेगा भाई नहीं घुस सकते भाई। भाई एक बात तो पीठ पीछे तो भाई उससे लड़ नहीं सकते तो लेके जा सकता है ना फिर। आप ना सोच रहे हो वो सामने से आ रहा है। लास्ट ब्लॉग में क्या हुआ था याद है आपको। हमने सोचा पीछे से आएगा आप दोनों ने सर्वेलेंस पीछे लगा रखा वो था। आया आगे से और जहाँ मैं स्टेयरिंग पे बैठा था आया वो आगे से। वो तो अच्छा हुआ मेरी निगाह सामने बिल्कुल थी एक पलक भी नहीं झपका रहा था मैं तो वो कैप्चर हो गया। भाई आई बटन ऊपर दिख रहा होगा आई बटन तो उस पर जाकर देख ले पिछली वीडियो आपको क्लियर दिख जाएगी जहाँ पे लेपर्ड आया था जिस वीडियो में आता हुआ नजर आ गया था वो तो गाड़ी के सामने से नहीं तो हम पीछे ही देखते रह जाते और लेपर्ड निकल जाता जब कैसे भाग गया। वो तो गुप्ता जी की मेहरबानी है जो इन दोनों को लेपर्ड दिखा दिया। क्या कहते फिर पता क्या कहते हैं। अरे फौजी भाई की मेहरबानी है जो कैमरे में कैप्चर हो गया। हाँ। नहीं तो गुप्ता जी ने तो जाके वीडियो देखना है। गुप्ता जी ने तो देखो एफर्ट्स पूरी टीम के थे इसमें किसी का भी कोई रोल नहीं है। इन्होंने बराबर बराबर एफर्ट्स दिए थे तो हमें लेपर्ड उस वीडियो में कैप्चर हुआ है। अब की बार जो लेपर्ड है ना हमने पिछली बार आपको 100-150 मीटर पे भाग गया था ना हमने थोड़ी गलती कर दी थी क्योंकि देखो 100-150 मीटर नहीं था वो मुश्किल से मुश्किल 5 मीटर भाई 100-150 मीटर का मतलब तो ये होता है कि इतना था जैसे यहाँ से हमारा कैमरा अच्छा 100 फीट बोलना था मीटर बोल गया 100 फीट 100 फीट भी नहीं था भाई 100 फीट था नहीं एक मीटर में 3 फीट होता है 3 फीट होता है 100 फीट कितना होता है 5-15 फीट 10 मंजिल मतलब वो ऑलमोस्ट 20-21 फीट की दूरी पे होगा दोस्तों। वो नहीं है मैं क्योंकि मैं मेजरमेंट ढंग से करना नहीं आता मुझे। वीडियो अच्छी लगे तो गाइस इसे भाई मिलियन में पहुंचा दो आप जो बिल्कुल फुल वीडियो देखनी है आपको भाई स्किप नहीं करनी है आपको वीडियो। जिस लोकेशन पे हम जाने वाले हैं वो लेपर्ड जो है आदमखोर है वो नॉर्मल लेपर्ड नहीं है। तो नॉर्मल लेपर्ड अगर होता है नॉर्मल क्या वो जल्दी से अटैक नहीं करता खास करके इंसानों पे जानवरों पे तो कर देता है लेकिन जो आदमखोर होता है वो केवल इंसानों पे ही अटैक करता है। उसे इंसान का मुंह लग जाता है तो वो इंसानों पे ही अटैक करता है। ये जो लेपर्ड है ये आदमखोर है क्योंकि डेली किसी न किसी बंदे पे एक हफ्ते से अटैक कर रहा है। बिल्कुल। और इसने अभी एक गाय भी मार रखी है। जब हम आ रहे थे एक बंदे से मिले तो उसने कहा ऊपर गाय भी मार के गिर रखी है। तो भाई आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयंकर लेपर्ड है। और बस जल्दी डिनर बनने वाला है अपना बनाते हैं और अंधेरा हो चुका है। मैं काम करता हूँ आप कॉफी भी कॉफी थोड़ी गर्म है हाँ। मैं हैंड टू हैंड आप स्टार्ट कर लेता हूँ तो गुप्ता जी अपना डिनर बनाना स्टार्ट हाँ। कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा अंधेरा अगर यहाँ हम कर लेंगे तो उसके बाद अगर लेपर्ड वहाँ से गुजर गया तो वो फिर लौट के वापसी बहुत टाइम में आता है क्योंकि वो जब अपनी गुफा से निकलेगा हम चाहते हैं उसको उसकी गुफा पे ही कैप्चर करें। अगर वहाँ कैप्चर हो गया तो हो गया नहीं तो फिर हमें पूरी रात बैठना पड़ेगा वो फिर वापसी घूम फिर के करीब ऐसे ही हमारे लास्ट ब्लॉग में होता जब वो भाग गया ना
तो हमने उसकी बहुत पीछा किया, बहुत ढूंढा, लेकिन आवाज तो सुनाई देती रही उसके 2-3 घंटे तक भी, लेकिन वो दिखा नहीं हमें। फिर वो लेकिन वो चौकन्ना हो जाता है, क्योंकि पिछली बार हमने उसके जहाँ हम पिछली वीडियो में जहाँ पे हम गए थे, हमने उसके पीछे गाड़ी भगा दी, क्योंकि हमसे गलती हो गई थी कि हमारे फोन की फ्लैश चालू हो गई थी। अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार हम उसको बिल्कुल अपनी गाड़ी के बोनट के सामने आने देंगे। दूसरी बात, इस बार हम गोप्रो लाए जिसमें फ्लैश लाइट ही नहीं है, गोप्रो को लगा देंगे अपनी गाड़ी के आगे और उसके बाद चेक करेंगे, जब तक चलेगा जब तक आएगा वो अपने आप ही कैप्चर हो जाएगा। हम उसको वहां पे जाके कैप्चर करेंगे जब अपनी गाड़ी के पास आ जाएगा। ऑन हो चुका है गुप्ता जी, लाइट भी जला ली है भाई। फर्स्ट टाइम खाऊंगा मैं हाफ फ्राई। अच्छा जी, यस। मैंने सुना आपको पसंद नहीं है। नहीं पसंद क्या यार, मैंने खाई नहीं है ना। मैंने तो बहुत खाई है, लेकिन गुप्ता जी के हाथ की नहीं खाई ना। हाफ फ्राई तो मेरे हाथ की मैंने भी नहीं खाई है फर्स्ट टाइम में। मजाक, ये इट्स अ पार्ट ऑफ जोक। मैंने जिसको भी हाफ फ्राई खिलाया, एक्चुअल में मैं बनाता हूँ बटर में, बट यहाँ क्या जंगलों में बटर हम लाए नहीं, भूल गए, तो बनाएंगे रिफाइंड में, बट वो भी अच्छी टेस्ट होगा। तो उसके लिए पहले थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं कढ़ाई में ताकि चिपके ना। ओके, कढ़ाई नहीं गाइस, ये कढ़ाई आपको लग रही होगी फ्राई पैन है। फ्राई पैन है एक्चुअल में, इसमें दोनों तरफ हैंडल है ना, तो कढ़ाई की शेप है ना, तो मुंह से कढ़ाई निकला। तो दोस्तों हाफ फ्राई बनाने के लिए ना कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका है कि अंडा फोड़ो ऐसे, कुछ नहीं करना है इसको, आपने अंडे को ऐसे छोड़ देना है इसमें, बस छोड़ दिया। ओके, भूल जाओ अब इसको, इसको रखो साइड में। अब करेंगे इसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे छोड़ देना, ऐसे ही पकने देना है धीरे हल्की आंच में जितना। ये देखिए, ये कुछ नहीं है, ये केवल नमक है और एक मिर्च का मिक्सचर है। इसको क्या करेंगे हम, जब थोड़ा सा हाफ फ्राई हो जाए इसको ऊपर से चुटकी से ऐसे डाल देंगे। ओके, जिससे चटपटा लगे। हाँ ठीक है ना। और इसके बाद एक चीज़ और डालेंगे, वो बताऊंगा अभी ज़रा देर में आपको, पहले ही ज़रा मैं इसको कर दूँ, नहीं तो जल जाएगा भाई। देखने में तो मस्त लग रहा है दोस्तों, जब ये बनेगा ना आपको कैमरे पे दिखाएंगे। यस, दोनों तरफ से दिखाएंगे कि एक तरफ क्रीमी है और एक तरफ क्रिस्पी है, क्रिस्पी क्रीमी, इसका जो टेस्ट आएगा ना अल्टीमेट। बहुत लोग शौकीन है फ्राई करने के, और सर्दियों में तो खासकर, क्योंकि ठंड भी काफी होती है ना। आज छोड़ने वाले नहीं गाइस उसको, आज तो पकड़ेंगे, देर से बांध देते हैं उसे आज। इस लेपर्ड ने पिछले एक साल से हमारी जिंदगी कैंपिंग में नरक रखी है। लोग बोलते हैं कि आप लोग करते क्यों ऐसी कैंपिंग, करते क्यों गाइस, एडवेंचर इसको कहते हैं। नॉर्मल कैंपिंग तो कोई भी घरों के पास जाके कर ले, वो तो सबसे आसान है, लेकिन लेपर्ड के इलाके में सर्दियों में लेपर्ड और भालू दोनों आदमखोर हुए रहते हैं, बंदे को देखते ही अटैक कर देते हैं। तो इतना रिस्क सही नहीं है कैंपिंग के चक्कर में, उतना रिस्क ले जितना सह सके। बिल्कुल, अभी जान ही चली जाए। नहीं भैया देखो, अगर हमारी जान रहेगी तभी तो आप लोग एडवेंचर वीडियोस देख पाएंगे ना दोस्तों। बिल्कुल भाई, इसलिए हमें वो बचाना सबसे पहले जरूरी है। ज्यादा ही होगी 50 से, आपकी जानी पिछली बार। हाँ पिछली बार, पिछली वीडियो, आपकी बार अभी तो आई वीडियो में कम से कम 50 बार आवाज अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हम उस टाइम बिना गाड़ी के होते ना तो वो पूछे मतलब हमारा क्या हाल होता, अटैक कर देता, ले जाता एक आदमी, ले जाते हम खड़े नहीं हो पाते, जान के लाले पड़ जाते अगर टेंट में होते तो। यस गाइस, इतना खतरनाक था ना भाई, लेकिन प्यारा भी अच्छा लग रहा था यार देखने में, सुंदर था, सुंदर था, खतरनाक के साथ साथ बहुत कलर आएगा, सुंदर मस्त आ रहा है कलर। सुंदर की बात कर रहे हैं गाइस, जब उसके पंजे देखे ना, इतना चौड़ा पंजा था, वो तो हमें पहले ही पता चल गया था जब हम उस लोकेशन पे कैंपिंग करने के लिए गए थे और दिन में हमने वहां पे पंजे देखे थे ना कि आज कुछ बड़ा होने वाला है रात को। लेकिन ये था, हमें वहां ये पता चला था कि उसके साथ बच्चे भी है, लेकिन वो नर आया था, जो मेल था ना वो मेल आया था, इसीलिए वो इतना गुर्रा रहा था, फीमेल नहीं आई, फीमेल अगर आती तो उसके साथ बच्चे भी होते, बड़े आराम से भाई कैप्चर। लेकिन आज जो आने वाला है उसके साथ हमने सुना है बच्चे भी है, फीमेल है, क्योंकि 2 दिन से वो ही घूम रहा है यहाँ पे इस एरिया में, क्योंकि फीमेल ही ज्यादा अटैक करती है, फीमेल होती है वो, अगर आपके सामने आ गई आपको रास्ता बदलना पड़ेगा, वो नहीं बदलेगी क्योंकि वो अपने बच्चों को सेफ रखती है, जब तक उसके बच्चे का रास्ता काट दे खुद तो वो चली जाएगी, नहीं तो नहीं जाती। वाह जी वाह गुप्ता जी, क्या मस्त बनाया, दिखा दो एक बार पास से दिखाओ, ये देखिए गाइस, अरे हंसी लेगा पूरा, ये देखिए, ये देखिए, मेरी वाइफ देख रही है इस वीडियो को, अब लाइक ठोक देना नहीं तो मेरी पिटाई हो जाएगी। तो दोस्तों ये रेडी है, इसे निकालते हैं।
देखिए दोस्तों, वाह जी वाह, क्या मस्त बना है भाई, मस्त बना है। अगर इसमें अभी एक चीज और डालूंगा दोस्तों, पहले इसका थोड़ा सा ऑयल निकाल देते हैं, इसे टॉपिंग करेंगे ना। नहीं नहीं, टॉपिंग वाला ऐसा स्टफ वाला नहीं बना रहा आज मैं, क्योंकि टाइम नहीं है ना हमारे पास भाई। अंधेरा देखो कितना ज्यादा हो गया, अभी हमें पहुंचना भी है इस पे। मैं डालूंगा ये कैच का चाट मसाला, जो कि इसका टेस्ट को ना डबल कर देगा। चाट मसाले से तो मजा आ जाता है पिज्जा हो। देखो दोस्तों, ओहो, ये ऐसा लग रहा है छोटा पिज्जा, छोटा पिज्जा दिखा के लाओ दोस्त। गाइस नीचे से मत पकड़ना गर्म है बहुत, ये देखो कितना भाप भी उठ गया। अब ये तो नीचे से क्रंची हो रहा है पूरा। नहीं, एक का हाथ में कटोरी अपने पकड़ पकड़ के दोस्त बना रहे भाई, खत्म करो अपना। टाइम करो, टाइम करो, टाइम बताओ। टाइम तो भाई ज्यादा हो गया, जल्दी करो गाइस। इसमें कुछ डालने वाले भी थे ना आप? क्या डाल दिया? खाओ के देखो जी, 7 बजने वाले हैं, लेपट का टाइम हो चुका है। बस 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 भाई, दूसरा जो बनाया वो देते हैं अपने फौजी भाई को। फौजी भाई टेस्ट बताओ यार, बताते हैं। चाट मसाला डालो, इस पे चाट मसाला डालता हूँ पहले, तब खाऊंगा तभी तो बताऊंगा टेस्ट। ओहो, चाट मसाले के बिना पिज्जा हो और ये हाफ ऑमलेट हो, हाफ फ्राई, मजा ही नहीं है। टेस्ट करके बताओ कैसे बना है। गुप्ता जी, क्रंची तो है, देखो नीचे से सेम पूरा क्रंची। दिखाओ ना कैमरे पे, दिखाओ तभी तो दिखेगा। कितना मस्त बना है, पूरा हाथ में उठा के दिखा के लेके आओ बढ़िया करके, तभी तो पता लगेगा क्या चीज बनी है। ये देखिएगा गाइस, कैसा बना है भाई, एक नंबर मस्त बना भाई, मजा आ गया। नीचे तो पूरा क्रंची हो रहा भाई, भाई एक और दो मुझे तो। देखो आर्यन भाई ने फिर मांग लिया, चार खा चुके हैं और फिर दोबारा मांग रहे हैं। दो आर्यन भाई खाओ आप। तो दोस्तों जिस चीज का इंतजार था भाई वो समा चुका है, क्योंकि लेपर्ड की आवाज आ रही है नीचे खाई से, तो यहाँ से निकलते भाई सामान। चलो भाई जल्दी चलो भाई। तो दोस्तों लेपर्ड की आवाज आ चुकी है भाई, और हम यहाँ से निकल चुके हैं। ये देखो सामने से, ये सामने देखिए और निकल चुके। क्यों भाई जी? ये देखो, चलो भाई चलो। दोस्तों हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है और दोनों भाई इधर देख रहे हैं आगे की साइड में, और मैं पीछे डिग्गी की तरफ आ गया हूँ। जिधर से भी आ गया तो उधर से हम कैप्चर करने के लिए तैयार हैं, तो वेट नहीं करते क्योंकि आवाज़ आ रही है लगातार। तो दोस्तों टाइम की बात करो, टाइम हो चुका है 9, और भाई हम तीनों भाई टाइम देखे, ये देखो टाइम 8:57। अब देखो दोनों भाई बैठे हैं यहीं पर, ये देखो पूरा अंदर हो चुका, और भाई हम लेपर्ड की घात लगाए बैठे अपनी गाड़ी के अंदर। चलो चलो भाई जल्दी चलो, नीचे गया ना रोड पे गया वो। 12:01 हो रहा है, पूरे 12:01 बताओ, पूरे 12 बजे मारी थी। चलो भाई चलो, आराम से आराम से, रिलैक्स रिलैक्स भाई, आराम से आराम से, इतनी जल्दी नहीं है। हमारी घात लगाए बैठा था वो, हमारी घात लगा, हम तो उसके चक्कर में थे बट वो हमारे चक्कर में था। नहीं होगा भाई, बिल्कुल भाई पहुंचने वाले हैं वहाँ भाई, इसी किसी एरिया में ना गड़बड़ होगा, क्योंकि देखो निकल यहाँ से, वो जो वहाँ से उतरा है ना वो रोड यहीं उतरता है। देखते हुए चलना, देखते हुए लग यही रहा है, बिल्कुल पास में ही, पास में है, ऊपर से नीचे आ ले जहाँ से हम थे उससे नीचे आ लिए ना, इसी सामने तो उतरा था, पास में आने वाला है, इसी के पास है। भाई भाई नीचे ये रहा, ओ ये रहा, ओ ये रहा, ये रहा भाई, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ओ उधर भाग रहा, चढ़ गया, चढ़ गया, चढ़ पहाड़ पे, चढ़ गया भाई, पहाड़ पे चढ़ गया, ओ ये रोड क्रॉस कर, भाई देखो राजू रोड क्रॉस कर, ओ ये रहा कोने पे, भाई कितना भयंकर है यार, ओ भाई कितना भयंकर भाई, ओ दोस्त आ गया, दोस्तों लेपर्ड भाई कैप्चर हो गया भाई, भाई अपनी मेहनत रंग लागी भाई, भाई क्यों नहीं आएगी भाई। तो दोस्तों भाई मेहनत रंग लागी भाई, 5:30 में कैप्चर किया, बिल्कुल 5:30 घंटे जंगलों में। भाटी भाई, यो फौजी भाई, भाई क्या भाई मेहनत रंग लागी भाई, पहली वीडियो में भी कैप्चर किया था तब भी 12:00 बजे हाँ। तो दोस्तों पहले भी 12:30 होता है, आज भी 12:30 हो रहा है भाई, मेहनत लगा क्योंकि ऊपर से हम तुरंत उतरे गाड़ी लेकर, और जैसी रोड पे जहाँ से उतरना था ना तुरंत वहीं मिल गया गाइस, मजा आ गया गाइस बिंदास यार। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई, बहुत बड़ा रिस्क लिया था हमने इस चीज के लिए। तो भाई
दबा दो भाई, सब्सक्राइब बटन दबा दो, लाइक बटन दबा दो, और फिर मिलते हैं एक अगली कैंपिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।